हेलो एवरीवन, सिनिक स्कूल घोड़ाखाल की मेडिकल डेट्स आ चुकी है, मेडिकल इंस्ट्रक्शन और मेडिकल फॉर्म भी आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये मेडिकल डेट्स हैं। ठीक है, इन मेडिकल डेट्स में जो बच्चों का आया है, जैसे कुछ हमारे बच्चे हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उसमें इन बच्चों का रोल नंबर, नाम, डोमिसाइल, कैटेगरी और डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन आया है। ठीक है, तो मैंने कुछ बच्चों का हाईलाइट किया है, इट्स वेरी इजी टू सी, बच्चों का नाम इसमें प्रॉपर दे रखा है। तो हमारा जो बच्चा है अक्षित जोशी, इसका रोल नंबर मेंशनड है, डोमिसाइल मेंशनड है कहाँ का है, कैटेगरी मेंशनड है और 20 फरवरी को इनको जाना है। उसी तरह आयुष भगुणा डिफेंस कैटेगरी, ये भी 20 फरवरी। उसके अलावा भविष्य ध्यानी यूके जनरल कैटेगरी 20 फरवरी, केशव तिवारी अगेन यूके जनरल कैटेगरी 20 फरवरी, ओके, एंड देन मोहित सिंह। तो जितने भी बच्चे हैं वो अपना नाम, रोल नंबर, डोमिसाइल, कैटेगरी देखकर अपनी डेट्स देख लेना, मेडिकल डेट्स कब है। ठीक है, तो मोहित सिंह और यूपी से है बच्चा, है डिफेंस कैटेगरी और 22 फरवरी, तो इसको 22 फरवरी को आना है। तो डेट्स आपको 20 से लेकर 22 फरवरी के ही बीच में दी हैं सारी डेट्स। ठीक है, मैं आपको लास्ट पेज भी दिखाता हूँ। लास्ट पेज में देखो, लास्ट पेज में एक बच्चा है, ठीक है, तेलंगाना से है और 22 फरवरी, तो 22 फरवरी डेट्स दी हैं आप लोगों को। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद ये तो है मेडिकल डेट्स। ठीक है, मेडिकल डेट्स के बाद कुछ मेडिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रक्शंस, अच्छा मेडिकल इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने आपसे कहा है पहले, इन्होंने वेन्यू बताया, वेन्यू है मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली। ठीक है, वेन्यू है मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप बच्चे का नाम लिखेंगे, योर सन वार्ड मास्टर सो एंड सो, रोल नंबर उसका जो उसको मिला है, हैज क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 6 जनवरी, ठीक है, और क्लास 9th 6, ही इज नाउ रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके फाइन, वेन्यू कहाँ दिया है, वेन्यू दिया है मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली विच इज इन यूपी। डेट आप अपनी अपनी डेट डाल देना, जिसकी 20th फरवरी है वहाँ पर 20 डालना, जिसकी 22 है वो 22 डालेगा। टाइम 700 आवर्स, इसका मतलब आपको मॉर्निंग 7 बजे रिपोर्ट करना है। तो अगर आपकी डेट 20 फरवरी को है तो याद रखना कि आपको 19 तक MH बरेली पहुँचना है। ठीक है, यही सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हैं, तो आप ये लगा लीजिए कि 2 से 3 दिन का मेडिकल होगा, तो आपको रहने का अपना बंदोबस्त खुद करना है। ठीक है, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिन तक बच्चे का मेडिकल चलेगा। अच्छा, तो इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हैं। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो भी पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद मेडिकल फॉर्म आप लोगों को भरना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या है कि आप लोग जो ट्रैवल करोगे वो अपने खर्चे पे करोगे। ठीक है, द कैंडिडेट विल ट्रैवल ऑन ओन हिज ओन एक्सपेंसेस एंड शुड बी एक्सकॉर्टेड बाय हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स के थ्रू ही बच्चा जो सेंटर है उसका मेडिकल वहाँ जाएगा। नो चेंज इन द डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी परमिटेड, कोई चेंज नहीं होगा मेडिकल डेट पर, जिसकी 20 को है तो 20 को ही उसका मेडिकल होगा। ऐसे नहीं कि फिर आप लोग 21 को पहुँच रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसका 20 को है वो 19 को पहुँच जाए सेंटर के आसपास, कहीं होटल ले लेना। ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली के आसपास कहीं पर आप अपना बंदोबस्त कर लेना। ओके, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया है, दे हैव मेंशनड दैट जो ठीक है, पेरेंट्स को अपना अरेंजमेंट करना है 2 से 3 दिन के लिए, क्योंकि वो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे कि बच्चे का जो मेडिकल है एग्जामिनेशन वो 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, द पेरेंट्स विल हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फी। ठीक है, अब इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन फी भी है, तो वो भी पेरेंट्स को देनी है। ठीक है, वो कितनी है क्या है इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन बहुत रीजनेबल होगी जहाँ तक मुझे लगता है। क्वालिफाइंग इन द मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज, साफ साफ कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग, अगर बच्चा मेडिकल में क्वालिफाई हो गया तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे को एडमिट करे, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज पर। ठीक है, अगर वैकेंसीज ही नहीं है, बच्चे का मेडिकल हो गया लेकिन वैकेंसीज अगर फुल हो गई हैं, या फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर अगर वो मार्क्स के अकॉर्डिंगली भरेंगे, तो उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो ये डिपेंड करता है टोटली वैकेंसीज पर ना, तो इन्होंने साफ साफ दिया है। ओके, अच्छा, इसके बाद
इन्होंने कहा है ऑल कैंडिडेट्स मस्ट गेट ईयर वैक्स क्लियर्ड, ठीक है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के कान साफ करवा लीजिएगा, ठीक है। वैक्स क्लीनिंग होती है प्रॉपर, अच्छे किसी डॉक्टर को दिखा के, ठीक है। ओके, फिर ये लास्ट इंस्ट्रक्शन दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द पेज 1 and 2 ओनली। ये अभी आपको मैं AFMS फॉर्म दिखाऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपको पेज 1 and 2 ही भरना है, ऐसा इन्होंने कहा है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एंड और ये आपने सबमिट करना है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और उसको फिल करके ले जाना वहाँ पर, ठीक है। फिर आपको वहाँ ये सबमिट करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ID प्रूफ, ओरिजिनल डाउनलोडेड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हॉल टिकट। अच्छा, तो बच्चे की ID प्रूफ जरूर ले जाइएगा, आधार कार्ड। उसके अलावा जो बच्चे को हॉल टिकट एडमिट कार्ड जो मिला था रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए सैनिक स्कूल के लिए, वो ले जाना जरूरी है। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी जरूरी है बच्चे की, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेचर एडमिशन ऑफ योर सन वार्ड विल बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज इफ एनी इन्फॉर्मेशन गिवन। और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर उनको कहीं पर भी लगेगा कि ये मतभेद है, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में हो चाहे नाम में हो, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। और फाइनली जो डिसीजन होगा एडमिशन का, वो प्रिंसिपल के हाथ में है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए इन्होंने, और यही कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने हिंदी में भी दिए हैं, तो मैं आपको हिंदी में भी आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। वही चीज़ें हैं जो फॉर्म की बात कर रहे हैं ये लोग, कि बच्चे जो शुल्क है, सबसे पहले जो चिकित्सा शुल्क है वो पेरेंट्स को देना होगा, आप बच्चे ना, और उसके बाद में आप बच्चे का कान साफ करवा कर लाएं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ में लगाए गए दोनों फॉर्म साफ साफ भर के लाएं। तो अभी हम जो फॉर्म निकालेंगे उनको आपने मोड़ना नहीं है, ठीक है। उनको आपने साफ एक फोल्डर ले लीजिएगा, फोल्डर के अंदर ये पेजेस आप रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो कॉलम 1 है, अभी हम देखेंगे इस फॉर्म में जो कॉलम 1 है उसमें बच्चे का पूरा नाम आएगा, कॉलम 2 में स्कूल द्वारा दिया गया रोल नंबर आएगा, कॉलम 3 को खाली छोड़ दे कह रहे हैं ये, ठीक है। कॉलम 4 को बच्चे की जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ आएगी, 5 and 6 कॉलम को भी खाली छोड़ना है, अभी हम आते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम कॉलम में आते हैं, कॉलम 7 पे जो पहचान चिन्ह है उसको खाली छोड़ना है और बस फोटो वहाँ पर लगानी है, अभी हम देखते हैं। कॉलम 8 में आपने अपना परमानेंट एड्रेस, स्थाई जो आपका पता है पिन कोड के साथ, और मोबाइल नंबर सहित आपको अवश्य लिखना है। फॉर्म कॉलम नंबर 9 में माता पिता भाई बहनों के नाम, और वो क्रमवार आपको लगाना है उसकी, उनके उम्र के हिसाब से, और परिवार के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देनी है। कॉलम नंबर 10 में इन्होंने कुछ बच्चे की चिकित्सा जानकारी के बारे में उन्होंने बहुत सारी बीमारियां मेंशन करी हैं, उसमें यस या नो लिखना है। अगर ऐसी कोई बीमारी बच्चे को कभी हुई है तो वहाँ पर यस या नो आपको लिखना है, भी हम देखते हैं। और उसके बाद फाइनली बच्चे के या पिता के हस्ताक्षर चाहिए एट द एंड, ठीक है। और उसके बाद जो कॉलम नंबर 11 से लेकर आगे तक जितने भी कॉलम्स हैं वो आप लोगों को नहीं भरने हैं, ठीक है। वो मेडिकल एग्जामिनेशंस के वक्त भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके मेडिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपका फाइनल है मेडिकल फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं मेडिकल फॉर्म। तो मेडिकल फॉर्म का आप लोगों ने प्रिंट आउट निकालना है अच्छे से। मेडिकल फॉर्म अगेन इट्स वेरी इजी, मैंने आपको अभी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपने सबसे पहले आपने कॉलम नंबर 1 नेम इन फुल, आपने बच्चे का पूरा नाम लिखना है, उसका रोल नंबर जो स्कूल द्वारा दिया गया है सैनिक स्कूल द्वारा। फिर कॉलम नंबर 3 में मैरिड या सिंगल है, वैसे बच्चे सिंगल ही हैं लेकिन हिंदी के इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि कॉलम 3 को आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये आप एट द टाइम ऑफ जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तब भी भर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले में मेंशन नहीं किया है और हिंदी वाले में मेंशन किया है कि कॉलम 3 छोड़ दें। अब वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कॉलम 3 इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ है नहीं, मैरिड या सिंगल, तो सिंगल है बच्चा, ठीक है। और ये डिटेल्स तो मुझे नहीं पता कि बच्चों के बारे में क्यों पूछी गई है, ये तो सिंगल ही कैटेगरी है। अच्छा, 4th में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ डाल देना। 5th और 6th आपको नहीं बनना है, ठीक है। 5th और 6th इसको अवॉइड करिएगा, ये अथॉरिटीज़ ही भरेंगी, वहाँ पर ऑफिशियली भरा जाएगा। 7 में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क का जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें सिर्फ आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। इसमें आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, मैं टिक मार लेता हूँ, जहाँ जहाँ मैं टिक मारूँगा वो आपको भरना है, ठीक है। तो नाम भरना है, रोल नंबर 3 को अवॉइड करिएगा अभी, ठीक है। 4th को भरना, 5th और 6th को नहीं भरना है। 7th में ये जो आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 and 2 दिया है इसको नहीं भरना, सिर्फ आपको फ़ोटो लगानी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आपको सिर्फ फोटो लगानी है। परमानेंट एड्रेस अच्छे से लिखना है, ये करना है पूरा आपको, ठीक है। परमानेंट एड्रेस अच्छे से लिखना है। उसके बाद आप लोगों के कुछ पर्सनल स्टेटमेंट्स है, फैमिली हिस्ट्री है जो आपने भरनी है। इसमें फादर का नाम यहाँ पर आएगा, फादर है, एज उनकी, हेल्थ के बारे में लिख लीजिएगा, अगर अच्छी है तो गुड लिख लीजिएगा, गुड,
ठीक है, अगर इफ़ डेड, अगर पापा नहीं है या किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो क्या रीज़न था, कोई बीमारी थी, कुछ थी, क्या रीज़न था, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और कब मरे थे, ईयर ऑफ डेथ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है। और जिनके फादर, जिनके पेरेंट्स अलाइव हैं वो इस सेक्शन को अवॉइड करेंगे, इफ़ डेड वाले सेक्शन को, ठीक है। ओके, मदर के बारे में फिर सेम डिटेल्स, तो आपको ये क्रम अनुसार लिखना है, पहले पापा, फिर मम्मी, और उसके बाद ब्रदर जो सबसे बड़ा है, या सिस्टर जो सबसे बड़ी है, ठीक है, एंड सो फोर्थ, ठीक है, और आगे आप ऐसे भरेंगे। ओके, उसके अलावा एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मेंटल डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये आप एक बार अपनी फैमिली से कंसल्ट करके चीज़ देख लीजिएगा। अगर हाइपरटेंशन है फैमिली में किसी को, या हार्ट डिजीज़ है किसी को फैमिली में, डायबिटीज़ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिजीज़ है, या नाइट ब्लाइंडनेस है, तो आप वहाँ पर टिक मार सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में जो कॉलम नंबर 10 है, कॉलम नंबर 10 में आपने यहाँ पर फिर से यस और नो मेंशन करना है, ठीक है। इलनेस, और आपसे पूछा है ब्रोंकाइटिस, एस्थमा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, नो, ठीक है। फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट्स, क्रोनिक इंडाइजेशन, किडनी ब्लैडर, एसटीडी, जॉन्डिस, अगर ऐसा कुछ है तो आपने वहाँ पर यस लिखना है, नहीं तो नो लिखेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये जो मेडिकल इलनेस है, किसी को नहीं होगी। उसके बाद फाइनली आपने हैव यू एवर बीन रिजेक्टेड एज मेडिकली अनफिट फॉर एनी ब्रांच ऑफ द आर्म फोर्सेस, अगर इससे पहले आपने कोई सैनिक स्कूल दिया हो, फॉर एग्जांपल 9th के जो बच्चे हैं, अगर 6th में उन्होंने दिया हो और वो मेडिकल अनफिट हो, तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर और बहुत सारे बच्चों का वैसे तो नॉट एप्लीकेबल होगा। हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज्ड एज मेडिकली अनफिट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द आर्म्ड, ठीक है, ये दोनों पोर्शन वैसे नॉट एप्लीकेबल है। अच्छा, फिर क्या है, हैव यू एवर एडमिटेड फॉर एनी इलनेस, ऑपरेशन और इंजरी, अगर आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो किसी इलनेस के लिए, या कोई ऑपरेशन आपका हुआ है, या कभी चोट लगी, तो वो आप मेंशन कर लीजिएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी हेल्थ से देना चाहते हो, हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आप ये लास्ट वाला जो ये डी वाला सेक्शन है, इसमें आप अपनी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। फाइनली सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर सिग्नेचर ज़रूर होगा, बच्चे का या तो पेरेंट्स का हो सकता है, और डेट के साथ, ठीक है, यहाँ पर डेट आएगी फाइनली। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसके अलावा जो फॉर्म आगे का है वो आपने नहीं भरना, लेकिन अगर आप फॉर्म के टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर रोल नंबर और नाम है बच्चे का, ये आपको ज़रूर भरना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी टिक मार लेता हूँ, रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। और जो नेक्स्ट पेज मैं आपको, जो इसके बाकी के जो रिमेनिंग पेजेस हैं, ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग पेजेस हैं, उसमें सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, जब आपका मेडिकल लिया जाएगा, तो वो आप लोगों को नहीं भरना है, ठीक है, जो कॉलम 10 के बाद में है, ठीक है। तो आपको कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 10 तक भरना है, जिसमें कुछ कॉलम्स आपको अवॉइड करने हैं। वो कौन से कॉलम्स हैं, वो हैं कॉलम नंबर 3, और वो है कॉलम नंबर 5, 6, और कॉलम नंबर 7 का ये आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट, फोटो आप लोगों को लगानी है, ठीक है। अगर और कोई आपको डिटेल्स पूछनी है, और कोई डाउट अगर आपको ऐसा लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, एज सून एज पॉसिबल, या आप फ़ोन भी कर सकते हैं हमें, और हम एज सून एज पॉसिबल आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे, ठीक है। जो मेडिकल फॉर्म है, दो पेजेस के बाद जो 3, 4, 5, जो 3 पेजेस रिमेनिंग हैं, वो आप लोगों को नहीं भरने हैं, हाँ, लेकिन उसके राइट साइड, राइट टॉप में आपको रोल नंबर और नाम मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है, बच्चे का रोल नंबर और नाम, बाकी वो कॉन्फिडेंशियल है, बाकी मेडिकल के वक्त वो डॉक्टर्स ही भरेंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।